तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपका नई वीडियो में स्वागत है। और नई वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो मंडे से ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था मंडे से, और मंडे और ट्यूसडे को ये कंटिन्यू करा, और कंटिन्यू करके ऊपर जाने के बाद और नीचे आ गया, ठीक है। और आज क्या हुआ, आज यहाँ खुला इसी रेंज में, इसी रेंज में कहीं पर बंद करके चले गए। वेनसडे को बंद थी, आज एक्सपायरी था इसका, निफ्टी का एक्सपायरी था आज, और ये इसी रेंज में बंद करके चले गई। और मैंने बोला था लाइव में, हमने बोला था कि ये यहाँ से कहीं निकल ही नहीं सकता, निकलने के बहुत कम चांस है आज मूव आने के, क्योंकि 2 दिन से लगातार मूव आ रहा था, और अच्छा मूव आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। और तीसरे दिन हमारा ये अब अपनी रेंज में काम कर रहा है। अब फ्राइडे को एक चांस है कि मूव आ सकता है या फिर मंडे को आएगा, इन 2 दिन एक मूव आ सकता है, अच्छा 50-100 पॉइंट का मूव आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि क्या हो सकता है और क्या हुआ है, ठीक है। और कुछ दिनों से, जैसे कि हम कुछ पहले दिनों से हम बात करते आ रहे हैं कि ये रेंज बनाई थी, ये रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद जब हमने लाइव में बात करी थी, ये वाला इसका एक जोन है, लाइव में साफ बात करी थी कि ये वाला जोन तोड़ेगा तो अच्छा मूव देगा। और वैसे ही बैंक निफ्टी ने कोई 1000 पॉइंट से ज़्यादा तक का मूव दे दिया था ऊपर की तरफ, जो हमने बात करी थी वही हुआ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कल की, कि कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो बैंक निफ्टी की हम कल बात करें ना, तो अगर ये जोन बना रखा है जो इसने, दोबारा एक बार जोन बना लेते हैं हम, ये जो जोन बना रखा है, जोन के नीचे जाता है तो हमारी जगह नीचे के लिए बहुत है, और एक ये रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ की। अगर ये नीचे जाता है इस जोन में कहीं पे आके सपोर्ट ले सकता है। ये कहाँ पे तोड़ेगा तब, ये जब 49,127 के नीचे अगर तोड़ेगा, 125 मान लो, 49,125 के नीचे जब तोड़ेगा ना, तब नीचे का आपको एक टारगेट मिल सकता है 48,750 के आसपास, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नीचे का। अब ऊपर की बात कर ले हम, ऊपर की बात करने के बाद कि अगर ये यहाँ कहीं खुला, यहाँ कहीं खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फेस करा, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकालता है और ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता है, तो हमारे 49,800 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। अभी अगर ये ऊपर जाएगा ना, मतलब अगर ये वाला क्रॉस कब करेगा, ये वाला क्रॉस जब करेगा एक बार और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर दोबारा जब ऊपर जाएगा ना, तब ये अपना ऊपर की चाल कंटिन्यू कर सकता है 50,000 के ऊपर, ठीक है। कि इसका 50,000 बहुत बड़ा एक रजिस्टेंस है। और ये तो हमने बात कर ली ये वाली, ठीक है। और आगे गैप डाउन और गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन और गैप अप खुलेगा तो क्या करना है उसके बारे में बात कर लेंगे। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई पहले ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन और गैप अप खुल गया तो क्या, ये हमारी रेंज तो पहले से मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। पहले मैं ड्रॉइंग हटा दूँ ये वाली। तो अब अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ कोई खुला, खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, और यहाँ एक बार ये जो इसका जो रजिस्ट्रेंस है, नया रजिस्ट्रेंस लेके नीचे आता है फिर ऊपर निकालता है, तो अपनी ऊपर की चाल कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही अगर ये गैप डाउन खुलता है, यहाँ ही खुलता है सीधा डायरेक्ट, या यहाँ खुल जाता है, तो एक ऊपर का तरफ मारेगा, ऊपर की तरफ मारने के बाद अगर नीचे द्वारा कंटिन्यू करता है, या ये यहाँ मारे, या थोड़ा ऊपर मारने के बाद कंटिन्यू करता है, तो हमारा नीचे के टारगेट ये वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 48,750 के आसपास लेवल, ठीक है। ये हमारा होगा बैंक निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी में हमारा ओवरऑल एक लैग बची हुई है नीचे की। अब वो मारता है इलेक्शन से पहले, नहीं मारता या सीधा निकालता है, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको डाटा दिखा देते हैं FIS उसका। FIS ने कैश में 964 करोड़ की सेलिंग करी है, और DIS ने, और पॉजिटिव खुला है, अब पॉजिटिव बंद हुआ है, मतलब समझ लो एक तरह से, ठीक है। क्योंकि करीब 300-400 करोड़ के आसपास, 300-400 करोड़ के आसपास ये पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। और इंडिया विक्स को देखो ना, वो डेली 4 से 5% बढ़ रहा है, तो एक बार इसको देखना बनता है, तो देखना, तो देख के देखते हैं हम आगे की तरफ। इससे ये मत करना कि ना देखो, बस इसको थोड़ा सा अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एक दो दिन में क्या हुआ, ये जो इसकी रेंज बनाई थी इसने, ऊपर की तरफ गया, मतलब जो पोजिशनल बंदे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पोजिशनल में हमने बात करी थी, ये पोजिशनल में जो बंदे हैं, मैं पोजिशनल जो करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो हमारा नीचे से कंटिन्यू कर रहा था हमारे लेवल, और एक जोन बनाई थी इसने यहाँ पे, और हमने बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट करा तो इसके
इस लेवल तक का एक स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे कहीं। ये तो हमारा चलो एक स्टॉप लॉस है, ये वाला, ये भी हमारा एक स्टॉप लॉस था, पर हमने बोला था थोड़ा 10-15 पॉइंट नीचे लगाना, पोजिशनल खेल रहा है जो बंदा, और ऊपर तक का टारगेट लेना। जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री करी, एक दिन सेलिंग आई और ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और एक अच्छी बाइंग की वो मिल गई। और हमने टारगेट क्या बताया था, 22,800 का टारगेट बताया था हमने, वहीं से 22,800 का नहीं, 22,780 का बताया था, और ये 775 से ही नीचे आ गया। मतलब 5 पॉइंट के आसपास का थोड़ा गैप बन गया, वरना बिल्कुल परफेक्ट लेवल थे। फिर ये रेंज बना के नीचे की तरफ काटा और ये ऊपर की तरफ आज कंटिन्यू हुआ। जिस बंदे ने ये वाला ट्रेड लिया होगा वो अच्छा प्रॉफिट मिला उसे, करीब 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मतलब 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो मैंने स्टॉप 2 का ट्रेड मिल गया हमें। और अपोजिशनल वालों के लिए भी मैंने बता रखा है कि एक नीचे की लेग बची हुई थी, मैंने उनको बता रखा था जितना ऊपर प्रॉफिट बुक करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब ये जोन बन, एक इसकी ये जो लाइन बनी हुई ना जोन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़ और एक ये, अब इसकी जोन बन गई है ऊपर का, इसका जो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये नीचे आया, नीचे आने के बाद नहीं पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रजिस्टर बनाया, यहीं पे ओपन खोला रजिस्टर पे, अपने रजिस्टर लेके सीधा उस दिन नीचे आ गया, पूरा दिन नीचे रहा। और फिर अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे अपने इसी रजिस्टर पे थोड़ा टाइम बिताया और फिर निकाला, और अगले दिन गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद इसने एक अपना रजिस्टेंस बनाया और उस दिन, और फिर वहाँ से नीचे आ गया, और जो इसका रजिस्टेंस था यहाँ पे इसका सपोर्ट बन गया, और दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, और तीसरी बार में इन्हें सपोर्ट तोड़ दिया। तोड़ने के बाद नीचे आया, और जो ये इसका रजिस्टेंस था, एक ही कैंडल पर क्लोज हुई है यहाँ पे, बस वहीं से सीधा ऊपर ले गया, एक ही कैंडल उस दिन क्लोज हुई थी, और ये अगले दिन गैप अप खुल, मतलब यहीं पे खुल के पूरा एक 50 पॉइंट की कैंडल बना के यहीं पे बंद करके चले गया। अब हमारा व्यू ये है कि ये इस पॉइंट से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर इसके पास जगह बनती है, यहाँ आके थोड़ा सपोर्ट लेके हल्का सा, और फिर नीचे की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, तो हमारे 400-800 के घर दोबारा दिख जाएंगे, 400-480, 450, 470, 60 के आसपास के घर दोबारा दिख जाएंगे, क्योंकि ये इसका एक हल्का सा है, ज़्यादा नहीं, एक हल्का सा सपोर्ट जोन है। अगर इसको ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करके नीचे वापस आता है तो हम का ये व्यू है हमारा, ठीक है। और अब देखते हैं हम ऊपर का व्यू क्या है हमारा, नीचे तक का व्यू बता रहे हैं, क्योंकि एक इसकी लैग बची हुई है, जैसे कि मैं बात करता ही आ रहा हूँ, मुश्किल है अब मारने, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, एक ही महीना बचा है इलेक्शन में, कोई नहीं, मारना आ गया तो आ ही गया, आ ही जाएगा, या वरना टाइम ही बिताएगा, या तो कल टाइम बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद थोड़ा ऊपर निकालने के लिए ले गया तो अपने हाई के आसपास आ सकता है, और अपने हाई से एक बार और आएगा, क्योंकि दूसरी बार में कभी हाई नहीं तोड़ेगा, तीसरी या चौथी बार में ही हाई तोड़ता है, फिर वहाँ से नीचे आने की कंटिन्यू करेगा और फिर दोबारा तोड़ता है ना ये, तब हमारा ऊपर का व्यू बनेगा, एक पॉजिटिव व्यू जिसको हम लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, ठीक है। वरना इसके नीचे आएगा, उसके नीचे फिर यहीं कंटिन्यू दोबारा करने लगे, ये हमारा मोटा मोटा व्यू हो गया है। और अब हम कर लेते हैं, अगर गैप डाउन खुला और गैप अप खुला तो क्या करेंगे, लाइक से सब्सक्राइब कर दो भाई, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं खुला, खुलने के बाद अपना नीचे आया, नीचे करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ऐसे ऐसे जाने के गया तो अपने हाई के एक बार जाके वापसी नीचे आ सकता है, ठीक है। और दूसरा ही दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ये गैप अप खुला, इधर ही कहीं गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर जा रहा, ऊपर जाने के बाद यहाँ आया, आने के बाद फिर नीचे आ सकता है, कि एक बार इसको नीचे आना है अपने हाई से, समझ लो, ठीक है। इसका हाई क्या है, वही 22,780 के आसपास ये अपने नीचे आ सकता है। और ये वाला जोन है जो हमारा नीचे का, अगर गैप डाउन खुला, ये भी यहाँ है, अगर ये यहाँ खुला गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आया, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है अपने इस लेवल पे आके फिर नीचे जाता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, नीचे तक के घर मिल सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन गैप अप खुलेगा, सबकी बात है, ऐसे हमने बता दिया है। फिर निफ्टी में भी यही है, फिर निफ्टी में एक जोन बना हुआ है, जोन जहाँ भी तोड़ेगा उस तरफ हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मल्टी दो दो जो दो जोन बना हुआ है, ऊपर की तरफ तो एक ही है, ये वाली लाइन अगर ऊपर की तरफ काटता है तो अपने हाइट के आसपास आके फिर दोबारा अपना हाइट टेस्ट करेगा तो है, वरना यहाँ पे सस्टेन करेगा, 3-4 दिन बाद नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार निफ्टी में हम ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, निफ्टी में मैं आपको एक एक 1 आवर पे चार्ट लगा के दिखाता हूँ, ये जो बैंक निफ्टी है
नहीं भाई यार, बैंक निफ्टी का तो ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं बना निफ्टी का। तो निफ्टी में ये क्या, ये जो चाल चली आ रही थी ऊपर की तरफ, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये इसकी करेक्शन जोन थी। अब ये वाला इसका जोन था ना, अब ये जोन दो एक दो बारी में ऊपर की तरफ काटता है ना, तो इसके अच्छे 23,000 तक के लेवल आ सकते हैं इसके। अब इसमें क्या, एक एक इसमें क्या चीज़ है कि अगर ये नीचे आगे ऊपर काटेगा ना तो अपना हाई काट सकता है इसी बार में ही। और अगर अगर इसने अपना ये वाला जो इसका लेवल है ना 200-300 वाला, 22-200-300 वाला, अगर इसने ये नीचे की तरफ तोड़ा ना तो वही 1921,000 21,000 लेवल आ सकता है, ठीक है, 900-800 के लेवल आ सकते हैं। तो ऊपर का व्यू और नीचे का व्यू तो मैंने आपको बता दिया है कि पोजिशनल के लिए मैं बताऊंगा ना आपको, पोजिशनल के लिए बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा तब हम इसके पोजिशनल के लिए बात करेंगे, ठीक है। और एक रिजल्ट आया था आज नेटवेब टेक्नोलॉजी का, ठीक है, नेटवेब टेक्नोलॉजी में भाई ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 116% की है, और वैसे देखो ना 2023 से 24 तक की तो 45% तक की है। पिछले मतलब पिछले साल के क्वार्टर फोर का रिजल्ट है 1200, और इस साल का है 26, मतलब डबल से भी ज़्यादा है एक तरह से। और स्टॉक अच्छा ही है वाला, एबिट्टा मार्जिन भी 170% और 100-300 BPS बढ़ा हुआ है, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा हुआ है 118%, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हुए 200% के, अपना EPS भी बढ़ा हुआ है, अर्निंग पर शेयर कितना 182%। तो इस हिसाब से हम देखें ना रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है इसका, कंपनी अच्छी है, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी अच्छी है पर थोड़ा PE ज़्यादा है। कोई रिकमेंडेशन टिप नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ एक तरह से आपको, 10,000 करोड़ की कंपनी है मान लो, PE थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर इसका PE कोई 60-70 होता तो भी इसको मान लेते इस ग्रोथ पे, तो ग्रोथ ज़्यादा है पर मैं मानता हूँ PE ही ज़्यादा है, अगर PE से ज़्यादा ग्रोथ होती है ना तो कंपनी बहुत अच्छा करती है, ठीक है, मतलब वहाँ से मूव बहुत अच्छा आता है। डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, बुक वैल्यू कम, बुक वैल्यू ठीक है, ROE और ROCE है, पैग रेशो जो है ना उसका वो एकदम रीजनेबल है और बढ़िया वैल्यू पे है, एक पैग रेशो को हम देख सकते हैं एज गुड डीड। तो प्राइस एक्शन पे बात करेंगे नहीं, प्राइस एक्शन के लिए है नहीं स्टॉक, ये है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, कोई बंदा ले ले सकता है तो ले लेगा, क्योंकि 62% की ग्रोथ मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें अभी, क्योंकि AI का बूम तो चल ही रहा है उसको सपोर्ट करता है, कुछ 11-12% इसमें AI का वो है इसमें, यहाँ पे कहीं पे लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको, AI सिस्टम इज एन न्यूली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स बिकमिंग द थर्ड पिलर ऑफ आवर ग्रोथ, दिस इज रिफ्लेक्ट बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका AI का जो है ना सिस्टम वो 2.6 टाइम, ओ भाई ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पर ग्रोथ 7% है, वैसे तो 11% अंडरस्कोरिंग। अब इसका दो अनाउंस करा, 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा है, टोटल ईयर ऑन ईयर ये है, फिजिकल ऑफ ईयर ये है 65, एक उसका वो देख लेते हैं हम, अब वो ये मार्जिन वार्जिन दे रखे, बाकी तो ठीक है, सारी कंपनी अच्छी है, ये वाली देख सकते हो आप, अच्छा रिजल्ट आया है इसका, ठीक है। और हम एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई वीडियो को, पहले ही 1 आवर पर भाई, ये एक बार दो बार तीसरी बार अगर चौथी बार निकालेगा तो देखते हैं इसको। मिड कैप अपना वही, मिड कैप ने कुछ नहीं निकाला भाई तक, मिड कैप भी उसी रेंज में बंद हो गया जिस रेंज में मैंने लाइव में आपको बोला है, आप लाइव चेक कर सकते हो कि भाई नहीं बनेगा, मतलब आज मुश्किल ही बहुत कम चांस है कि ऊपर नीचे कहीं जाएगा, ठीक है, ये अपने हाई पे ही है मिड कैप निफ्टी, तो देखते हैं। तो वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।